get up. Time is barely on our side. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम है खाओ गोली जंक्शन। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के गुजराती फूड आइटम्स मिल जाएंगे। तो चलो हम चलते हैं और दिखाते हैं इनके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। पहला है पापड़ा, जो अपने यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस है। ये है चौरा फली, ये उड़द की दाल और बेसन दोनों को मिक्स करके बनता है ये वाली। हाँ, ये है पापड़ी, ये बेसन की नॉर्मल पापड़ी बनती है, नमक की जाती है। ओके, ये है खाखरे, अभी अवेलेबल है हमारे पास सादा, जीरा और मेथी, ये तीन है अभी। और भी आते हैं, जैसे अचारी आता है, चाट मसाला आता है, पानी पूरी आता है। ओके, ये चीज़ है डोसा, छह फ्लेवर्स आते हैं। और चीज़ आता है पेरी पेरी, सादा, मंचूरियन, शेजवान एंड चाट मसाला। ओके, और ये नॉर्मल वाली चिप्स है। हाँ, ये नॉर्मल वेफर्स है वो क्या। और ये, ये चीज़ है भाकरवाड़ी, ये गुजराती नमकीन आती है, ये मीठा टेस्ट आता है इसमें, हल्का मिठास आती है, नमकीन आता है। अपना नायलॉन खमन, ये है नायलॉन खमन। ओके, ये प्राइस क्या इसकी भी है? हाँ, प्राइस है 200 रुपीज़ के जी। हाँ, और फाफड़ा की, फाफड़ा की है 360 रुपीज़ के जी। चौरा फली, फाफड़ा और जो पात्रा मिलता है वो भी 360 रुपीज़ के जी आता है। ओके, पात्रा का पत्ता स्पेशली गुजरात से आता है, अपने यहाँ का जयपुर का अपन इस्तेमाल नहीं करते बिल्कुल भी, और वही लेप बनता है और वही यहाँ पर अपन सेल करते हैं। और फिर टाइमिंग बताओ आप अपनी शॉप की। अपन 9 से 8 बजे तक रहते हैं। तो खाओ गली जंक्शन में आज हम आ चुके हैं। हम एक्चुअली स्ट्रीट फूड तो जयपुर का खूब कवर कर लिए, बट हम सोच रहे थे कि कुछ ऐसा कवर किया जाए जो जयपुर में नया आया है और लोगों को बहुत पसंद है, जो थोड़ा बाहर का हो। गुजराती स्टाइल क्या जो आप फाफड़ा वगैरह बना रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। देखो, ये गुजराती फूड है और नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में बहुत काम आता है, इसको फाफड़ा बोलते हैं। फाफड़े के साथ में हम तीन चीज़ देते हैं, एक स्वीट कड़ी होती है, प्याज केरी का कचूमर होता है और फ्राइड मिर्ची होती है। प्याज केरी का कचूमर गर्मी में ही चलाते हैं क्योंकि अभी कच्चा पपीता आता नहीं है, पपीता आने पर हम कच्चा पपीते के साथ में चलाते हैं। वैसे पपीते के साथ जाता है? हाँ, पपीते के साथ जाता है और बहुत अल्टीमेट लगता है और फ़ायदेमंद है, ज़्यादा हैवी नहीं लगता खाने में क्योंकि ये बेसन होता है। इसके अंदर जो इन्ग्रीडियंट डलते हैं वो बेसन है, उसके अलावा सोडा है, अजवाइन है। okay. और मौन डलता है इसमें ऑयल का, मूंगफली का। ठीक है, ये तीनों के चारों के कॉम्बिनेशन से ये बनाया जाता है। इसके अलावा ये खाने में इतना टेस्टी लगता है, और जेठालाल ने तो आपको बताया कि घर घर पहुंचा दिया है फाफड़ा, क्योंकि राजस्थान वाले पहले समझते नहीं थे फाफड़ा क्या होता है। इस तरीके से इसको बनाया जाता है, ये एक स्लाइस है, थोड़ा सा छोटा सा लेते हो ना, छोटा सा लेके उसको हाथ के प्रेशर से पुश किया जाता है और इसको लंबा करके। ये कभी आपके हाथ में चिपकता नहीं है सर? बिल्कुल नहीं चिपकता सर, क्योंकि उसका जो बनाया जाता है लॉज वो इस तरीके से रहता है कि वो चिपकता नहीं है। और फिर प्रैक्टिस और बनाने का तरीका बिल्कुल उन पर डिपेंड करता है। ये इस तरीके से ये बन गए, अब इसको हम चक्कू के साथ में, अच्छा बहुत बिल्कुल ये हट गया, ये ऐसे ही और देखिए, अब ये फाफड़ा बिल्कुल फ्राई होने के लिए तैयार, फ्राई हो रहा है। इसके बाद में ये अच्छे से इसकी सिकाई हो जाएगी, एकदम कड़क हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, इसको क्या तेज गैस पे बनाते हैं, स्लो? नहीं, बिल्कुल नम, बिल्कुल हल्के, उसी से क्रिस्पी बनाएंगे। सिकता भी बहुत जल्दी है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लग जाता है जैसे। तो मतलब आपकी क्या डिमांड रहती है, इसकी कितनी डिमांड रहती है? इसकी ये समझो कि हम जो भी सारे दिन बनता है जो भी बनता है वो सारा उसी में चला जाता है। नेक्स्ट डे के लिए तो फिर वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट डे के लिए फिर दोबारा बनाते हैं। हाँ, नहीं वेट करना पड़ता है लोगों को, सुबह सुबह मॉर्निंग में मिलना भी मुश्किल होता है। ये हो गया, आप ये तैयार है। तो मतलब आप सुबह रोज ना बनाते हो? डेली बनता है, बेनागा बनता है। और सुबह करीब 9:30-9:30 चालू होता है, जिसके 5:30-5 बजे तक ये कंटिन्यू बनता रहता है। अरे, और जितना बनता है वो सारा का सारा सेल हो जाता है उसी दिन, क्योंकि अब
आप लोगों की मेहरबानी कुछ तो कुछ हमारे जेठालाल की मेहरबानी से फाफड़ा बहुत फेमस हो गया, बहुत फेमस हो गया और अपने खाऊ गली जंक्शन की बहुत फेमस हो गई है। लोगों को सबका इतना बढ़िया रिव्यू आता है, आप देखिए गूगल पे भी जाके अगर खाऊ गली के देखेंगे तो इतने अच्छे रिव्यूज हैं कि आप भी कहोगे कि यार बहुत ही बढ़िया चीज आप बना रहे हो। और ये चीज पूरे जयपुर में नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी बात है। अच्छा, अगर आपको वैशाली में भी खाने वाला होगा तो वो चरा यहाँ आएगा, यही आएगा। और क्योंकि इस कॉम्बिनेशन फाफड़ा मिल जाएगा, नेचुरल फाफड़ा मिल सकता है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन के साथ हम देते हैं उसमें स्वीट कड़ी होती है, प्याज केरी का कचूमर होता है, फ्राइड मिर्ची होती है, वो कॉम्बिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलता। हाँ, जो प्रॉपर गुजराती टेस्ट है प्रॉपर, क्योंकि हम जहाँ शॉप बोल रखी है एक तरीके से गुजराती मार्केट, पूरा गुजराती मार्केट, डायमंड मार्केट भी बोलते हैं इसको। ये एलएमबी के बैक साइड है, अप्रोच बहुत होती है जोरी बाजार में एलएमबी होटल है, उसके बैक साइड में ये अपना रेस्टोरेंट है जहाँ हम ये चीजें सारे वो गुजराती आइटम हमारे पास एक के फाफड़ा ही नहीं है। फाफड़ा के अलावा पात्रा भी हमारे पास मिलता है, पात्रा के अलावा चोरा फली हमारे पास मिलती है। अच्छा, खमन ढोकला, मतलब कई वैरायटी है टोटल गुजराती। इसके अलावा चकरी है, डोसा खाकरा है, खाकरा है, किसी को अगर गुजराती खाना है तो यहीं पे आना पड़ेगा, गुजराती ब्रेकफास्ट करना है तो उसको यहीं आना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको वेफर्स भी मिलेंगे तो वो भी वहाँ के हैं, अहमदाबाद के, फरसान थोड़ा बहुत मिलेगा तो वो भी आपको गुजरात का ही टेस्ट आएगा प्रॉपर। और सब कुछ अधिकतर हम खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हाँ, खुद फ्रेश बना रहे हैं, फ्रेश ही बेच रहे हैं। और आप खुद देख रहे होंगे कि अभी आपने भी खा के अगर देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितना बढ़िया टेस्ट है इस चीज़ का। बिल्कुल, अभी टेस्ट करेंगे बिल्कुल। और हल्का है, सबसे बड़ी बात कि जैसे समोसे कचौरी होते हैं मैदा के होते हैं, थोड़ा हैवी रहेगा। आपने एक खा लिया तो बहुत है, या हो गया अभी खा लिया, दो घंटे बाद फिर खा लो, ऐसा रहेगा। बिल्कुल लाइट रहता है, बिल्कुल गुजराती सारी फूड ऐसे हैं। इसमें अजवाइन होती है, सोडा भी होता है, हल्का सोडा होता है, मीठा सोडा होता है, कोई वो नहीं होता। हाँ, वो नुकसान ही सॉफ्टनेस है। फिर मौन होता है थोड़ा सा, मतलब कुल मिला के नुकसान वाला चीज कोई नहीं है। बेसन अगर थोड़ा सा लगता है कि नुकसान करेगा तो इसमें ये जो चीजें डलती है वो, हाँ ये सारी चीजें अपना आप ही उन चीजों को, तभी तो लोगों को इतना पसंद आ रहा है। तो सर आप बेसिकली गुजरात से हैं क्या? नहीं, अपन जयपुर के हैं। अच्छा। लेकिन मेरे क्या है दिमाग में जब से था कि ऐसी एक चीज़ खोलो जो कहीं नहीं है, क्योंकि देखो समोसे कचौरी वगैरह हर जगह मिलते हैं। हाँ, हर जगह मिलते हैं, सही कह रहे हो। और मैंने क्या, मेरा काम दूसरा भी है, उसके साथ साथ मैंने ये चालू किया है और ये अच्छा रेस्पॉन्स है। अब इसकी इतनी रिक्वायरमेंट है, हर कोई कहता है कि यार पैसा मुझे दे दो, इसकी फ्रेंचाइजी मैं करवा लूँगा, आप यहाँ से मेरे को माल सप्लाई करो, जगह जगह में ब्रांच खोल रहे हैं। तो अब धीरे धीरे हम भी चाह रहे हैं कि इसकी ब्रांच में काम जगह जगह डालें। और ये कंटिन्यू आप ये समझो। फ्रेंड्स, हमने आपको फाफड़ा की फुल रेसिपी बताई कि किस प्रकार फाफड़ा तैयार किए जाते हैं। चलो अब हम इनके फाफड़ा ट्राई करते हैं कि कैसा है फाफड़े का टेस्ट। तो ये देखिए, ये है फाफड़ा की प्लेट जिसके अंदर फाफड़ा है, स्वीट करी है, ट्रिपोले हैं और लच्छेदार प्याज के साथ इन्होंने हमें फाफड़ा सर्व किए। चलो हम इसकी एक बाइट लेते हैं। सबसे पहले हम इसे कड़ी में डिप करते हैं। ओह माय, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, यम्मी एंड डिलीशियस है। अब हम फाफड़ा को लच्छेदार प्याज के साथ ट्राई करते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा होता है। तो इसे हम स्वीट कड़ी में डिप करते हैं और फिर बाइट ट्राई करते हैं। ये लिए हमने एक बाइट, यानी लच्छेदार प्याज के साथ ट्राई करने पर इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ओसम एंड बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट सा हमें खाने में फील हो रहा है। चलो तो हम इनकी पूरी मील ट्राई करते हैं। आप भी यहाँ आए और इनकी फाफड़ा रेसिपी ट्राई करें। चलो तो फिर हम वीडियो यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं किसी और नए पहले।